मानसून सत्र की गहमागहमी समाप्त हो गई है। विधानसभा मानसून सत्र की कार्रवाई अध्यक्ष ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। 7 बैठकों में कुल 366 प्रश्न पूछे गए। नियम 61 के तहत 5 विषयों पर चर्चा हुई। नियम 62 के तहत 6 प्रस्ताव और नियम 67 के तहत 2 प्रस्ताव और 130 के 4 प्रस्ताव और 101 के 1 प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जबकि 2 सरकारी विधेयक इस दौरान पारित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र कुल मिलाकर सफल रहा। सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में बखूबी उठाया और सरकार ने भी सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है। विपक्ष ने भी अपनी सही भूमिका अदा करने का प्रयास किया है। जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में गहनता से चर्चा हुई। ये मानसून सत्र 7 दिन का आज संपन्न हुआ है और 7 दिन के इस छोटे से सत्र में बहुत सारे विषयों पर चर्चा, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न, प्रश्न के उत्तर और चर्चाओं के उत्तर इस विधानसभा में दिए गए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत अच्छे माहौल में एक सार्थक प्रयास हुआ दोनों पक्ष की ओर से। जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं में पार्टिसिपेशन के लिए, उसमें सहयोग के लिए और उसके साथ साथ में जो प्रश्नकाल थे उन प्रश्नों के माध्यम से जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विषय थे, विकास कार्य से संबंधित, उनको उठाने के लिए माननीय सदस्यों को अवसर मिला जिसका भरपूर उन्होंने उपयोग किया, लाभ उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खासकर प्रदेश में युवाओं में बढ़ रहे नशे के प्रचलन को लेकर पक्ष और विपक्ष ने गंभीर चिंता जताई। सरकार ने नशे पर रोक लगाने के लिए विभाग को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और भविष्य में अगर इसमें कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी तो वो भी उठाया जाएगा। कि आज से पहले शायद मेकल में इन सारी चीजों पर वो उतनी गंभीरता का विषय इसलिए नहीं बन पाया। इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की बातें हुई, चर्चाएं जरूर हुई, लेकिन जितने वो प्रयत्न प्रयास होने चाहिए थे उस तरह से वो नहीं हो पाए थे। और आज की आवश्यकता ये, हम सिर्फ चर्चा ही नहीं करें, हम उस पर काम करें। उस दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये दो चीज़ें जो है, रिहैबिलिटेशन और डी एडिक्शन, ये दोनों चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है और उसके लिए हम आने वाले समय में हम तैयारी करेंगे। वो भी हमने आपकी बार बैठक जो हमारी हुई उस पर बड़ा गंभीरता से लिया है। कुछ जगह इस प्रकार के मसले आए कि जो सीज क्वांटिटी है उस पर प्रश्नचिन्ह खड़ा होने लगा है कि वो उससे 2 ग्राम कम करके क्वांटिटी 5 ग्राम करके 3 ग्राम कम करके जो वो दर्शाई जाती है, उससे लगता है कि उस व्यक्ति को जिससे से वो सीज की गई, जिससे वो इस प्रकार की जो नशे की जो दवाइयाँ जो पकड़ी गई, वो मुझे लगता है कि उसमें मिली भक्त हो सकती है। ये सदन ने भी चिंता जाहिर की है और हम विभाग को इस बात के लिए स्पष्ट कहें कि अगर इस प्रकार का नेक्सस अगर इसके तहत होगा तो कानून के तमाम प्रावधानों में सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता जहां होगी वो कार्रवाई जो है उन कर्मचारियों पर निश्चित रूप से करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 20 साल के इतिहास में पहली बार विधानसभा के मानसून सत्र में इतना बिजनेस हुआ है। सभी विधायकों को सदन में मुद्दे उठाने के लिए पूरा समय दिया गया है। अभी हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हुआ है। मुझे बताते हुए बहुत संतोष होता है कि अगर हम वर्षों के मानसिक मानसून सत्रों की तुलना करें तो इस सत्र में जनहित के मुद्दे बहुत बड़ी मात्रा में उठाए गए। 7 सीटिंग्स हुई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी व अन्य महान व्यक्तियों के प्रति शोकोद्गार से प्रारंभ हुआ ये सत्र और इसके अंदर 130 नियम के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा हुई। 101 में 2 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसी प्रकार नियम 61, 62, 63 इनके अंतर्गत भी और अनेक अनेक चर्चाएं हुई। 366 प्रश्न उनके उत्तर हुए। 324 के अंतर्गत 24 विषय आए और मेरा ये मानना है कि
ये जीवंत सेशन था जिसके अंदर सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने और मंत्रीगणों ने जिस शिद्दत के साथ उत्तर दिया, उसी जोश के साथ, उसी गर्म तेजी के साथ जो प्रतिपक्ष है उसने अपने प्रश्न। एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।